हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी कटहल कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये वाली कोफ्ता करी हम बनाएंगे बिना प्याज और लहसुन के। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अच्छी तरह से धोकर हल्दी से मैरिनेट करके रखा है। हल्दी के साथ मैरिनेट करके रखने से कटहल काले नहीं पड़ते। तो चलिए अभी इनको बॉईल कर लेते हैं। तो चूल्हे पर कढ़ाई में हमने पानी गर्म करने के लिए बिठा दिया है। अभी इनको डाल देते हैं पानी में। कटहल बॉयल हो चुके हैं, अभी इनको कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो देखिए कटहल को हमने पानी से निकाल लिया है और अभी इनको हम डाल देंगे एक ग्राइंडिंग जार में। तो अभी कटहल को अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। कटहल को हमने पेस्ट कर लिया है, अभी कटहल में हम डाल देंगे। एक चम्मच ग्रेटेड अदरक, एक चम्मच चॉप्ड किए हुए हरी मिर्च, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और साथ ही में डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच। तो अभी सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कोफ्ता का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अभी इनको फ्राई करने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई को गर्म करने के लिए बिठा दिया था। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे तेल। तेल गर्म करने के लिए बिठा दिया है और अभी कोफ्ता बना लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर होने तक कोफ्तों को हमें फ्राई करना है। तो देखिए हमने सारे कोफ्ते बना लिया है, अभी हम ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में लिया है टुकड़ों में कटे हुए 2 टमाटर, 8 से 10 काजू,
8 से 10 किशमिश और हरी मिर्च, साथ ही में लिया है 1 इंच अदरक का एक टुकड़ा। और अभी इन सारी चीजों को अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो हरी मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और एक बात, अगर टमाटर खट्टा हो तो आप लोग कम टमाटर डालिएगा और साथ ही में 1 चम्मच चीनी ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए एक स्मूथ पेस्ट हमने बना लिया है। तो चूल्हे पर कढ़ाई को गर्म करने के लिए बिठा दिया था। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे तेल, लगभग 4 बड़े चम्मच। तो अभी तेल में हम डाल देंगे 1 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 जायफल का टुकड़ा और साथ ही में डाल देंगे 1/2 चम्मच मेथी दाना। सारे साबुत मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अभी हम डाल देंगे टमाटर, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट। तो अभी 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर इनको भुनेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए। और ये जब तक भुन रहे हैं तब तक हम मसालों का एक पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर कटोरी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और साथ में डाल दिया है 2 चम्मच जीरा पेस्ट, 2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही में डाल देंगे 3 बड़े चम्मच दही। तो आप लोग कम खट्टा वाला दही इस्तेमाल कीजिएगा वरना जो ग्रेवी है वो खट्टा बन जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी डाल के एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए मसालों का पेस्ट बिल्कुल तैयार है, अभी इनको डाल देते हैं। तो अभी हम डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और अभी मसालों को मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही चलाते हुए अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक कि ना मसालों से तेल निकलना शुरू हो जाए तब तक। तो देखिए मसालों में से अच्छी तरह से तेल निकलना शुरू हो चुका है, अभी हम डाल देंगे 1.5 कप पानी। तो अभी हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और नमक डालने के बाद ग्रेवी थोड़ा सा थिक होने तक पकाएंगे। तो अभी हम डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ। तो देखिए ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और ग्रेवी को हल्का ठंडा होने देते हैं। और एक बात, कोफ्ता सर्व करने के वक्त ही ग्रेवी में डालिएगा, पहले से डाल के मत रखिएगा वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ग्रेवी हल्का ठंडा हो चुका है, अभी हम डाल देंगे कोफ्ते। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।